नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Hot 10 Play vs Moto E40 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 10 Play में 6.76 इंच जबकि Moto E40 में 6.5 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि 10 Play से कम है। विड्थ की बात करें तो 10 Play में 3.07 इंच जबकि Moto E40 में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि 10 Play से कम है। बात करें थिकनेस की तो 10 Play में 0.35 इंच जबकि Moto E40 में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो 10 Play में 207 ग्राम्स जबकि Moto E40 में 198 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो 10 Play में 20:5:9 जबकि Moto E40 में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 10 Play में 6.82 इंचेस जबकि Moto E40 में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 10 Play में 720x1640 और Moto E40 में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 10 Play में 82.66% जबकि Moto E40 में 81.72% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 10 Play में 263 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Moto E40 में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 10 Play में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, सेकंड कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और Moto E40 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 10 Play में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Moto E40 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 10 Play में पावर GE8320 जबकि Moto E40 में Mali-G52MP2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 10 Play में MediaTek Helio G35 और Moto E40 में Unisoc T700 मिलता है। बात करें RAM की तो 10 Play में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 3GB 4GB की RAM मिलती है, जबकि Moto E40 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 10 Play में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB 64GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Moto E40 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो 10 Play में अप टू 256GB जबकि Moto E40 में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो 10 Play में Android V10 Q जबकि Moto E40 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी 10 Play में 6000 mAh जबकि Moto E40 में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो 10 Play में 3 कलर्स जबकि Moto E40 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 10 Play में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जिसमें कि 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ 8,299 रुपीस, 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 8,499 रुपीस में मिलता है। और बात करें मोटो E40 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 9,499 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले में 3 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें मोटो E40 की तो उसमें 4 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में मोटो E40 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Poco M2 Pro है, दूसरा Xiaomi Redmi 9 Prime है, तीसरा Oppo A53 2020 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Nokia 3.4 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।